आज के इस ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी जोधपुर गीता प्रचार मंडल जोधपुर केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक महासमिति राजस्थान जोधपुर और साथ ही ऑल इंडिया हरियाणा ईसाई फोरम सब मिल करके आज के प्रोग्राम सजाया है। इसमें जितने लोग तशरीफ लाए हैं वो चाहे नीचे बैठे हों या चाहे ऊपर बैठे हों, मैं सबसे पहले उनकी खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब पेश करता हूं और मुझे अंदाजा है कि जो लोग नीचे बैठे हैं वो भी बड़े कीमती लोग और जो ऊपर बैठे हैं वो भी कीमती लोग हैं और यहां आने के बाद मुझे जो बेइंतहा इत्मीनान मिला है, सुकून मिला है, जो खुशी मिली है और जो एक हौसला मिला है कि वो किसी ने कहा था कि हमारे मुल्क में नफरत हुकूमत कर नहीं सकती, हमारे मुल्क में नफरत हुकूमत कर नहीं सकती, अभी कुछ लोग जिंदा है मोहब्बत का। सबसे पहले हमारे सादिक साहब ने जोधपुर की तारीख बताई थी। असल में ये तारीख हमारी बड़ी बदनसीबी है कि जो तारीख जोधपुर की है इसे हम पहचान भी कह सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की असल पहचान यही हुआ है। ये सिर्फ जोधपुर की पहचान नहीं थी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यही पहचान थी और अमेरिका की पहचान एटॉमिक पावर की है, जापान की पहचान टेक्नोलॉजी की है, लेकिन हिंदुस्तान की जो पहचान सारी दुनिया में थी वो यहाँ के मोहब्बत और यहाँ के प्रेम थी। और मैं कहेंगे ये लिटरेट जनरेशन यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैं एक ओरेटर की हैसियत से बातें नहीं करूँगा बल्कि टू द पॉइंट एकेडमिक अंदाज में आपके सामने आज के प्रोग्राम के बैकग्राउंड में चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा कि किसी शायर ने कहा था कि दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें बाकी, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें बाकी, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूटेगा। और ये इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है कि यहाँ पर जो मोहब्बत और जो प्रेम यहाँ की पहचान रहा है वो पहचान पहले बाकी रहनी चाहिए, क्योंकि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में नहीं बदल पाता। हमारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर थे फिराक रघुपति सहाय, और जिनका टाइटल था फिराक, गोरखपुर के रहने वाले थे, उन्होंने हिंदुस्तान का जो परिचय कराया था, हिंदुस्तान का जो तारुफ कराया था, इस मुल्क का वो तारुफ जो कराया था कि यहाँ की मोहब्बत से मजबूर हो गए। किसी ने कहा था कि हिंदुस्तान की पहचान ये है कि वो अपने दोस्त से इतनी मोहब्बत करता है कि दोस्त हमेशा दोस्त रहता है, लेकिन एक हिंदुस्तानी उससे आगे बढ़ करके दुश्मन को भी इतना प्रेम देता है कि दुश्मन की दोस्त रहता है। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ जोधपुर के बैकग्राउंड में, जोधपुर के लोगों को भी अंदाजा नहीं है कि ऊपर वाले ने इससे अभी कितना बड़ा काम ले लिया है। यहाँ पर एक हमारे संत जी बैठे हुए थे, हमसे बातें कर रहे थे और मैं कभी यहाँ पर एक घटना घटी जो बड़ी निंदनीय और बहुत ही खतरनाक घटना थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों ने एक प्लानिंग के तहत सिर्फ जोधपुर को जलाने के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जलाने के लिए वो बुरा काम किया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने और तमाम धार्मिक लोगों ने, यहाँ के तमाम बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने जिस तरीके से बढ़ कर उस गंदगी में और उस आग में मोहब्बत का पानी डाला है, उसके जरिए से
उन लोगों का जो मंसूबा था वो ख़त्म हो गया और पूरे मुल्क को पैगाम गया कि चंद लोग अगर हमें आपस में लड़ाना चाहेंगे तो हम उन्हें कामयाब नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा पैगाम इस शहर से आया, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। फराक ने कहा था कि सरजमीन हिंद पर अकवाम आलम के फराक, सरजमीन हिंद पर अकवाम आलम के फराक काफले फंसते गए हिंदुस्तान पर। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं घर के फिर पैगाम अभी तक सादी साहब की जो नज्म थी वहां से जो शुरुआत हुई थी उसको सामने रख करके देना चाह रहा था कि सास संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें। मेरी एक आदत है जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं शायरी में ज्यादा बात करता हूँ, जब टाइम ज्यादा होता है तो मैं बगैर शायरी के बात करता हूँ। सात संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका कि आपने साथ दिया। असल में मोहब्बत तो जरूरी है, उसको भी मैं दो चार लफ्जों में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। दौलत से ज्यादा कीमती शय मोहब्बत है, और मैं घर के बैकग्राउंड में आपके सामने रखूं, अक्सर देखा गया है कि जिस घर में दौलत आई है दौलत की वजह से बड़े बड़े घराने थे, और इस वक्त हिंदुस्तान की एक बड़ी मशहूर फैमिली अंबानी फैमिली है, लेकिन दोनों भाइयों में दौलत ने दुनिया पैदा कर दी। लेकिन अगर दौलत न हो लेकिन मोहब्बत रहे तो गुर्बत में भी खानदान आपस में मिल करते रहे। इसलिए इस दौर में सबसे ज्यादा इस पर हमें फोकस करना है वो ये कि हमारे इस मुल्क के ऊपर वाले ने कुछ खूबियां बताई, उन खूबियों को पहले समझ लें। मैं जब यहाँ लखनऊ से चला था तो रास्ते में, क्योंकि मुझे पहले फ्लाइट से आना था, फिर फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई बारिश की वजह से, मैं ट्रेन से आया तो मेरे पास टाइम था, तो मैं अपने इस मुल्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहा था, देख रहा था। आप यकीन जानिए कि बाहर के लोगों को हमारे मुल्क की ये मोहब्बतें बहुत ज़्यादा खटकती हैं, और दुनिया में ये मुल्क बाज एतबार से, बाज खूबियों के एतबार से यूनिक है, वो क्वालिटीज किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी, सबसे पहली चीज क्या है कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां इतनी जुबानें बोली जाती। गूगल पर मैं सर्च कर रहा था, अब वो डेटा गवर्नमेंट का था, किसी दूसरे एनजीओ का था, जैसे मैं अभी सुबह आया तो हमारे मेजबान से वापस में जब बोलते थे दूसरी बातें बोलते थे, उससे बातें करते थे जो उर्दू में करते थे, तो पता चला कि वो मारवाड़ी में आपस में बातें करते हैं। तो मैंने जब गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहाँ नियर अबाउट 1700 जुबानें बोली जाती हैं।
इतनी जुबानें दुनिया में कभी नहीं बोली। गवर्नमेंट क्या कहता है मुझे वो नहीं मालूम। दूसरी खूबी क्या है कि यहां पर तकरीबन 6,000 बिरादरियां हैं। तीसरी खूबी यह है कि दुनिया में जितने मजहब हैं तकरीबन तमाम मजहब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं। बाकी और मुल्कों में एक मजहब मिल जाएगा, दो मजहब मिल जाएगा। अब माइग्रेशन के बाद दुनिया के तमाम मुल्कों में यह सूरत हाल पैदा हो रही है, लेकिन यहां बहुत पहले से यह सूरत हाल पैदा रही थी। एक आगे खूबी लिखी थी उसमें कि जितने मौसम यहां पाए जाते हैं दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के बाद मुल्क ऐसे जो ठंडे हैं उससे ठंडे हैं, बाद ऐसे जो गर्म है उससे गर्म है, लेकिन ये हमारा देश ऐसा है, ऊपर वाले ने उसको बड़े सलीके से सजाया है। इस सलीके से सजाया है कि अल्लाह इकबाल ने कहा था कि चिश्ती ने जिस जमीन पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत के गीत गाया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फिजा में जीना, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब नहीं है। ये यहाँ पर हर मौसम है, सर्दी भी है गर्मी भी। आपका राजस्थान है तो यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, बगल में कश्मीर है तो वहां खूबसूरत बर्फ की वादियां भी है। यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं। आप ईस्ट इंडिया में चले जाए तो बंगाल के ऊपर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अंदाज की जो भी आसाम है वहां पर लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी शक्लें चाइना और जापान के लोगों से मिलती हैं। बीच में आ जाए राजस्थान का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, पंजाब का इलाका है, माशाल्लाह से नहीं शहीद लोग रहते हैं। जैसे अब दूसरे दुनिया के मुल्कों में सेहतमंद लोग रहते हैं तो गोरे भी हैं काले भी हैं, तो पता चला कि ऊपर वाला इस मुल्क से इस मिट्टी से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करता है। अब जो लोग इस मिट्टी को बर्बाद करना चाह रहे हैं वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हमारे संत जी बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई उससे बहने बातें हुई। कुछ लोग ये चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर किन्नी भाई वो यहाँ की खूबी और है जो यहाँ की असल खूबी है जिसको हम अनेकता में एकता कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने तरह तरह की बोलियां, तरह तरह के लोग, तरह तरह के मतलब, तरह तरह की जातियां, तरह तरह की बिरादरियां भी एक साथ रहते हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं सब एक ही तरीके के लोग रहे, उसको याद रखिएगा मैं घर के बैकग्राउंड में कह रहा हूं, अगर अनेकता खत्म हो गई तो एकता भी खत्म हो गई। घर में एक अनेकता में कैसे एकता होती है, मेरे तीन बच्चे हैं, अगर तीनों को ऊपर वाले ने पैदा किया, मैं उनका बाप हूं, मेरी बीवी उनकी माँ है, तीनों ने एक ही माँ का दूध पिया, एक ही आंगन में पले बढ़े, लेकिन तीनों का मिजाज ऊपर वाले ने तीनों की पसंद अलग अलग बनाई। एक कहता है सब्जी अच्छी लगेगी, दूसरा कहता नहीं परवल खाएंगे, तीसरा अपनी मां से कहता नहीं आज हम दाल खाएंगे। अब मेरी बीवी क्या करेगी, अगर वो जबरदस्ती सबको दाल खिलाएगी तो भाई भाई में टकराव पैदा होगा, अगर वो जबरदस्ती सबको सब्जी खिलाएगी तो दूसरा भाई एक भाई से जुदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो सबका मान सम्मान रखती, सब्जे वाले को सब्जी देती है, दाल वाले को दाल देती है। इस तरीके से एक घर में अनेकता में एकता रहती है, जैसी तरीके से भारत की अनेकता में एकता है। और जो लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं तो ऊपर वाले ने ही हमें इस तरीके से रखा है, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। यहां पर एक बात और समझने की है, बाद लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से क्या होगा कि इस मुल्क में दंगे फसाद खत्म हो जाएंगे। हमारे आलमगीर पैगाम इंसानियत का एक प्रोग्राम भोपाल में हुआ 2 साल पहले, और वहां की जहां की जेल ने हम लोगों को बुलाया कि आप आए हैं तो आकर के यहाँ पर जरा सा जो हमारे कैदी हैं उनके सामने भी कुछ अच्छी बातें कहें, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कहें, इंसाफ की बातें कहें। तो वहां पर हम लोग गए तो उनसे बातें हुई, मैंने ये बात रखी तो उन्होंने कहा था इस पर कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। फिर उसने अपनी मिसाल बताई कि हमारे यहाँ हिंदू कैदी भी है, मुसलमान कैदी भी है, लेकिन 99% हिंदुओं का झगड़ा हिंदुओं से हुआ है, मुसलमान का झगड़ा मुसलमान से हुआ है, और यही हाथ पूरे हिंदुस्तान की जेलों का। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि नहीं मतलब एक ही रंग में रहेंगे तो यहां पर झगड़ा नहीं होगा, इसको झगड़ना उसके बाद भी झगड़े। बाद लोगों की मेंटेलिटी में ऊपर वाला झगड़ा डाल देता है, उनका कोई इलाज नहीं। वो हुआ ये कि एक
बड़ी नेक बीवी थी, उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हो गई जो बड़ा झगड़ालू मिजाज था, उसका कोई इलाज नहीं है। उसने एक रोज कहा कि भाई अंडे का आमलेट बना लाओ, अंडा बना लाओ। बस इतना कहा तो बेचारे जो समझ नहीं पाई तो वो अंडा उबाल करके लेकर के चली गई। उसने कहा कि मेरा तो आमलेट खाने का मन कर रहा था, तुम तो अंडा उबाल करके ले आई, दूसरे रोज फिर का अंडा बना लाओ। तो उसने सोचा कि शायद आमलेट खाने का मन हो, आमलेट बना कर लेगी। तो उसने कहा कि मेरा तो उबाल करके खाने का मन कर रहा था, आमलेट बना करके ले आई। फिर तीसरे दिन जब उसने कहा कि अंडा बना लाओ, तो उसने दो अंडे बनाए, एक उबाला दूसरे का आमलेट बनाया। तो उसने फिर कहा कि हद कर दी, जिसको उबालना था उससे आमलेट बना दिया और जिससे आमलेट बनाना था उसको तुमने उबाल करके दिया। तो हमारे हर घर में हर इलाके में दो चार परसेंट ऐसे लोग हैं, उनके लिए बस हमारे पास एक ही इलाज है जो हमारे संत जी ने बताया। इस किस्म के गंदे लोग जब यहाँ पर जोधपुर में आए तो उन्होंने फिर उनका 2-4% का इलाज इन तमाम लोगों ने मिलकर किया, वो इलाज हमको करना होगा। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा छोटे बाहर से आया हूँ, इसलिए 2-4 मिनट ज्यादा लूंगा आपका। यहाँ पर हमारे फादर बात कर रहे थे, एक परेशानी समझ लीजिए क्या है। होता क्या है कि जब किसी बिरादरी पर कोई परेशानी आती है तो हम ये कहते हैं हमारा मैटर नहीं। एक परेशानी ये फादर जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, उस वक्त हम हिंदू हो जाते हैं या मुसलमान हो जाते हैं या सिख हो जाते हैं या ईसाई हो जाते हैं, परेशानी किसी पर आए हम सबको मिलकर आगे आना, वरना याद रखिएगा वो परेशानी घूम करके एक रोज हम तक पहुंचेगी, हमें अंदाजा भी नहीं। जैसे कि वो अगर घर जल रहा है किसी का और हम ये सोचे कि हिंदू का घर जल रहा है और 10 घरों के बाद हमारा घर है और हमने उस जलते घर में पानी नहीं डाला तो आग आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर तक पहुंचे। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर तेरा है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर तेरा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर तेरा है। अगर हमें अपना घर बचाना है तो हमें दूसरे के घर में आग लगी उसको बचाना पड़ेगा। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परेशानी ये है। यहीं पर एक बात मैं और अर्ज कर दूं, एक हम लोगों को बचपन में, हालांकि बाद में सोशल मीडिया के जरिए से वो कहानी बहुत मशहूर थी कि एक घर में किसान के यहाँ चूहा भी रहता था, मुर्गी भी पली थी, बकरी भी पली थी, भैंस भी पली हुई थी। किसान चूहों से बहुत परेशान था। एक रोज वो बाजार गया, चूहेदान खरीद करके लाया, चूहे ने बीच से देख लिया कि किसान चूहेदान लाया है, बहुत परेशान हुआ। वो मुर्गे के पास गया कि सर हम दोनों बहुत दिन से साथ में रह रहे हैं और किसान चूहादान लेकर के आए, मेरी कुछ मदद करो। कि भाई मेरा मैटर नहीं है, तो तुम्हारा मसला जैसे चाहो वैसे समझो। वो बेचारा मायूस हुआ, बकरे के पास गया, बकरे से भी परेशानी रखी, उसने कहा भाई मेरा मैटर नहीं है तुम्हारा। फिर वो भैंस के पास गया और भैंस से भी यही परेशानी थी, उसने कहा मेरा मैटर नहीं तुम्हारा मैटर है। तो बेचारा मारे डर के घर से दूर चला गया कि हम जाएंगे तो उसी पिंजरे में गिरफ्तार हो जाए। किसान ने उस पिंजरे को घर में रख दिया। रात को खटाक से आवाज आई, किसान की बीवी दौड़ी, उसने अपनी बीवी को पिलाया, बीवी को कोई राहत नहीं मिली। अब जब बीवी की बीमारी पड़ी तो उसके रिश्तेदार दोस्त यार देखने के लिए आए, घर मेहमान बहुत हो गए, क्या करे बेचारा गरीब किसान। उसने बकरे को दबा किया और बकरे को दबा करके मेहमानों की दावत करी, लेकिन एट लास्ट एक स्टेज ये आई कि उसकी बीवी मर गई और बच नहीं पाई। तो उस दौर में 40वां तीजा भी हुआ था, हुआ करता था बाद इलाकों में। उसने भैंस को दबा करके 40वां तीजा भी किया। वो चूहा बेचारा वहां से सोच रहा था, काश अगर इन लोगों ने शुरू में हमारी मदद की होती तो आज इनका यह हशर न होता। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम अपने घर में बहुत मुतमईन है। किसी शायर ने कहा था कि जो लोग ये सोच करके बैठ जाते हैं कि हमारा मैटर नहीं है, तो किसी शायर ने समझाने के लिए कहा था कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं। दोनों की कैफियत, दोनों की कंडीशन सेम है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन
हमारे घर का दरवाजा है, दोनों बराबर पोजीशन पर है। इसलिए अगर इस मुल्क को बचाना है तो हमें सबको मिलकर के आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग बैठे हैं, मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर किसी का घर जल रहा हो और एक हिंदू रामायण पढ़ता हुआ गुजर जाए, एक मुसलमान कुरान पढ़ता हुआ गुजर जाए, एक ईसाई बाइबल पढ़ता हुआ गुजर जाए और कोई उस जलते घर की तरफ पानी न डाले, सबकी धार्मिक किताबें सबके पढ़ने वालों पर लानत होगी कि तुम्हारा काम जलते घर को आओ जा करके, लेकिन तुम आगे निकल गए। इसलिए पहला जो मुझे पैगाम देना था वो ये जो बैठे कि हम सबका एक काम है कि इस मुल्क की जो हमारी पहचान थी उसको बचा करके रखना। दूसरा मैं बहुत यानी अदब एहतराम से गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातें समेट रहा हूँ कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, देखिए हम आपको बैठे अपनी जिंदगी गुजार लाए, न्यू जनरेशन है, हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी नई जनरेशन को हम संभालें, उसको कंट्रोल करें। उसकी वजह समझ लें, ऊपर वाले ने कुछ कानून बनाए, कानून मेरे से तो ये ऊपर वाले का निजाम ये है कि जब हवा चलती है तो उसका एक दस्तूर है कि वो किसी का मजहब नहीं पूछती, सूरज की रोशनी किसी का मजहब नहीं पूछती, सैलाब आता है वो भी किसी का मजहब नहीं देखता, और जब आग के तूफान आते हैं वो भी किसी का मजहब नहीं देखते। ये ऊपर वाले ने कानून बनाया है। मैं आप पढ़े लिखे लोग, इसलिए मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, ऊपर वाले के कानून और है, वो बैठ गए उसका जनरल कानून है कि वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। जुल्म हिंदू करे तो उसे मिटा देता है, जुल्म मुसलमान करे तो उसे मिटा देता है, ये ऊपर वाले का कानून है। और जुल्म आप देख लीजिए हमारे इलाके में, चूंकि आपके इलाके के जो रजवाड़े हैं उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इन्होंने अपने इलाके हमेशा शांति और प्यार और मोहब्बत बरकरार रखा, लेकिन हम तो यूपी के रहने वाले हैं, वहां जिन रजवाड़ों ने जुल्म किया है ऊपर वाले ने उनको बेऔलाद कर दिया, नस्लें बर्बाद हो गई। फिर हमने जाकर के पूछा कि ये राजा का महल तो बाकी है, तो बताया लोगों ने कि राजा के औलाद नहीं, उनका नौकर था उनके औलाद वो राजा बन गए। तो ऊपर वाले का कानून है ये कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरा उसका कानून ये है कि अगर हमसे जुल्म का उसने इंतकाम नहीं किया तो हमारी औलादों से। इसलिए नई नस्ल को यह समझाना है कि बच्चों अगर दुनिया में सुकून से रहना है तो तुम्हें जुल्म से बचना है। और एक वो कहानी बतलाई गई कि मेरे शेर से पहले पूरी बात कह दूं कि अदालत तो नहीं, हाँ वक्त देता है सजा, अदालत तो नहीं हाँ वक्त देता है सजा सबको, यही है आज तक इस जिंदगी का तजुर्बा मेरा। तो आपने सोशल मीडिया पर एक कहानी देखी होगी, एक नौकर एक बड़े मालिक का काम करता था, मालिक को किसी बात पर गुस्सा आया, उसने नौकर को मारा, अब नौकर बेवजह मारा गया था, उसका दिमाग बहुत खराब था, घर गया, घर जाते ही बीवी से कोई बात हुई, दूसरा मालिक ने था उसने बीवी को मार दिया किसी बात पर, अब बीवी तो अपने शोहर को मार नहीं सकती, बीवी घर में थी, उसने बड़े बेटे से कोई गलती, उसने बड़े बेटे को झापड़ मार दिया, अब बड़ा बेटा किस पर अपना गुस्सा उतारे, वो घर से बाहर खेलने के लिए गया तो छोटे भाई पर गुस्सा उतारा, छोटे भाई को उसने झापड़ मारा, छोटा भाई बहुत परेशान था, उसने एक ईंटा उठाया और वहां पर एक कुत्ता खेल रहा था, उसने कुत्ते को ईंटा खींच करके मारा, कुत्ता क्या करे बेचारा, वहीं पर एक आदमी खड़ा था, उस आदमी को जाकर कुत्ते ने काट लिया। अब जब पता चला कि आदमी कौन था तो मालूम नहीं, वही दुकान का मालिक है जिसने पहले नौकर को मारा था। कुदरत का एक निजाम है, जो जुल्म का इंतकाम लेता है तो चक्कर चलता रहता है और कुत्ता वहीं पर पहुंचा। इसलिए अपनी नई जनरेशन को अगर हम बचाना चाहते हैं उसे जनरेशन देना बहुत जरूरी है ताकि वो जुल्म से बच सके, ज्यादती से बच सके। अब यहां पर बल के ये क्योंकि सब लोग बैठे हुए यहां पर है, मैं यहां पर ये चाहता हूं कि मौलाना अली मियां जो आलमगीर प्रधानमंत्री फोरम के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम थे तो लखनऊ से एमपी होते थे वो, और लखनऊ में मौलाना अली मियां रहते थे, तो उनसे मिलने के लिए आए तो मौलाना अली मियां बीमार थे, बिस्तर पर थे, अटल बिहारी वाजपेयी से कहा मौलाना अली मियां मरहूम थे जो ऑल इंडिया प्रधानमंत्री फोरम के फाउंडर हैं, कि अटल जी मैं वर्ल्ड फेल हूँ और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से मुझे ऑफर आए कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं इसी मुल्क में जन्मा हूँ और यहीं पर मेरी मौत आएगी, यहीं पर मेरी कब्र बनेगी, लेकिन मैं आज से गुजारिश कर रहा हूँ इस मुल्क की खबर लीजिए, मुल्क सियासत से नहीं चलता है, मुल्क इंसाफ से चलता है, इसलिए इस मुल्क को इंसाफ से चलाकर इसको उसी बुलंदियों तक ले जाइए जिस बुलंदियों तक हमारे पुरखों ने यहाँ तक पहुँचाया।
फिर मैं जरूर चाहूंगा इस वक्त वो ललित ने एक प्रवचन दिया था, उसमें इंसानियत की बहुत सी बातें हुई, मैंने इसलिए इंसानियत वाला चैप्टर छोड़ दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भरके उनका जो इनको प्रवचन था उनकी जो स्पीच थी उससे चार पांच लाइनें पढ़ करके सुना दूं। मौलाना ने कहा था कि वो आंख इंसान की आंख नहीं जिसमें नमी ना हो, वो दिल इंसान का दिल नहीं चीते का दिल है जिस पर कभी दर्द की चोट न लगे, जो कभी मानवता की पीड़ा में रोना और तड़पना न जाने, जो हाथ मानवता की सेवा के लिए नहीं पड़ता वो अपंग है, वो हाथ जो इंसान का गला काटने के लिए पड़ता है उससे बेहतर शेर का पंजा है, अगर इंसान का काम काटना था तो उसके सीने में धड़कते दिल के बजाय एक आरी रखती जाती, अगर इंसान का काम पैसा ही कमाना था तो उसके अंदर एक तिजोरी रखती जाती, अगर इंसान का काम सिर्फ तोड़ फोड़ की योजना बनाना था तो इसके अंदर इंसान का दिमाग न रखा जाता बल्कि किसी राक्षस का दिमाग रख दिया जाता, लेकिन अपर वाले ने ऐसा नहीं किया, पता चला ये हमारे काम नहीं है। बस आखिरी बात है कि रुखसत हो रहा हूँ, देखिए मैं फिर यहाँ से एक बात कह रहा हूँ, बातें विदा होता हूँ, हिंदू होकर हिंदू की बात करना बहुत आसान काम है, मुसलमान होकर मुसलमान की बात करना बहुत आसान काम है, मौलवी होकर कुरान पढ़ना बहुत आसान काम है और साधु होकर के गीता पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन इंसानियत की बात करना और इंसानियत से ऊपर उठकर इंसान की बात करना बहुत मुश्किल काम है। जब उसके लिए तैयार होंगे सभी के साथ इन्हीं चंद विदार के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।